सुनिए, नीचे से सामान मंगवाना है, जरा लिस्ट बना दीजिए ना, गौरव को लिखवा दीजिए, वो ले आएगा। हाँ ठीक है गौरव। एक गौरव जरा नोटबुक और पेन लेके आना। हाँ पापा बोलिए। ये क्या नोटबुक और पेन लेके नहीं आया? अरे पापा मोबाइल के जमाने में नोटबुक और पेन। अरे मोबाइल 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 हर जगह मोबाइल ही होता है क्या? ऐसे तो तुम मोबाइल के गुलाम बन जाओगे। अरे पापा इसमें क्या मोबाइल का गुलाम, टेक्नोलॉजी का जमाना है, समय के साथ तो हर किसी को बदलना ही चाहिए, ऊपर से ये तो इको फ्रेंडली भी है। ज्यादा बहस मत करो मेरे से। अरे यार कितना का उपाय करो। लो कर रहा हूं बोलो। गौरव इस बार बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए तेरे को? अच्छा हो मम्मी आपने मुझे सामने से पूछ लिया। पापा मुझे इस पर बाइक सीखनी है। देखो ना अब मैं 21 साल का हो गया हूँ, अब तो मुझे प्लीज बाइक सीखने की परमिशन दे दो प्लीज। नहीं बेटा बाइक बिल्कुल नहीं, बाइक नहीं, मैं कहता हूँ कार और एक्टिवा सीखने दूंगा। अरे पापा कार और एक्टिवा तो मुझे आती है ना, पर बाइक सीखने दो ना। आज मेरी उम्र वाले हर किसी को बाइक चलानी आती है, और तो और मुझसे छोटे भी हर किसी को बाइक चलानी आती है, तो प्लीज बाइक सीखने की परमिशन दे दो ना। नहीं बेटा बाइक में और कार में और एक्टिवा में और बाइक में बहुत फर्क है। रात दिन का फर्क, उसके एक्सीडेंट में मतलब देखो 403 वाले को, कई लोगों को एक्सीडेंट हो जाता है, हालत बचती नहीं है, मैं बिल्कुल इज्जत नहीं दूंगा। अरे पापा एक्सीडेंट तो कार में भी हो सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि कार के अंदर एक्सीडेंट नहीं होते हैं, तो मेरे को सीखने की परमिशन क्यों नहीं दे रहे आप? इसको बोलो देखो एक्सीडेंट होते हैं बेटा, पर बाइक के एक्सीडेंट में और कार के एक्सीडेंट में बहुत फर्क है। बाइक के एक्सीडेंट से आदमी को कुछ भी डैमेज हो सकता है, कार के एक्सीडेंट में आदमी डैमेज नहीं होता है। और आजकल की क्या सेफ्टी इज फर्स्ट कम फर्स्ट, क्या जनरेशन नहीं है, सेफ्टी इज कम फर्स्ट। अरे यार आप लोग को है ना, मैं थोड़ी ना डेली, अपने पास थोड़ी बाइक है जो मैं डेली चलाऊंगा, सिर्फ सिखाने की तो बोल रहा हूँ आप लोग को। छोड़ो आप लोगों लो का तो हर बार है। छोड़ो आप लोग हर बार की तरह इस बार भी नहीं समझोगे, मुझे मालूम है। हर बार में अरे चौवट का कौन बोल भाई, कहाँ बिजी है इतने दिनों से, ना तो कोई कॉल रिसीव किया ना कोई मैसेज। हाँ यार कहीं बिजी बिजी नहीं हूँ, थोड़ा टूट फूट गया हूँ। मतलब? कुछ नहीं यार, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट, कब और कैसे हुआ? हाँ यार बट चिल चिल अब ठीक हूँ, आज तेरे मिस कॉल देकर कॉल बैक किया, वो मेरी बाइक का कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। ओ ज्यादा लगी तो नहीं भाई? अरे कुछ नहीं, थोड़ा पैर मुड़ गए और खून की तो जैसे नजर ही बह गई हो, सामने वाली गाड़ी में होने की वजह से बच गया। पापा तो मुझे भी बोल रहे थे कि गाड़ी ले जा, बारिश का सीजन है, बाइक पे मत जा, पर मैंने ही उनकी बात नहीं सुनी। ओ टेक केयर भाई, चल अगर आज पॉसिबल हो तो आज ही आता हूँ, वरना अपन जल्दी मिलते हैं भाई। हाँ ठीक है भाई, ठीक है चल। यार पापा सही कह रहे थे, इसीलिए वो मुझे बाइक सीखने नहीं दे रहे हैं। देखा ये अभिषेक का एक्सीडेंट हुआ ना, अगर वो कार में होता तो उसको इतनी नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है मैं हर बार पापा की बात को गलत समझ लेता हूँ? अरे गौरव बेटा मेरा बैंक का ही हॉलीडे है, मेरा एक बैंक का ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, तो ट्रांजेक्शन करना है तो तू फटाफट कर लेना बेटा आज। ठीक है पापा अभी मैं जिम जा रहा हूँ।
मेरे को लेट हो रहा है, मैं आके कर दूंगा, पर उसमें मेरे को बेनिफिशियरी अगर क्रिएट करूंगा तो मुझे उसमें टाइम लगेगा। फिर ये मत बोलना कि टाइम क्यों लगा। ओ कर लेगा तू, बस टाइम से कर लेना, टाइम का है, कर लेना, किसी भी कर लेना टाइम पे। ठीक है पापा, चलो बाय। मम्मा मैं आ गया। हाँ बेटा रुक। पापा वो बैंक के ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दे दो, कौन से अकाउंट से करनी है और किस में करनी है बता दो, तो मैं वो कर देता हूँ फिर। हाँ बेटा रुक, मैं बिल्कुल लिख के दे देता हूँ। ये ले बेटा, तेरी मम्मी के अकाउंट से इन सभी अकाउंट में से चार्जेस कर देना बेटा। ठीक है पापा, मैं अभी इनकी बेनिफिशियरी बना देता हूँ मम्मी के अकाउंट के नेट बैंकिंग में, उसके बाद में ये सब बेनिफिशियरी कूल होने के अंदर लगभग 4 घंटे लगेंगे, और उसके बाद में मैं ट्रांजैक्शन कर दूंगा। अरे यार 4 घंटे क्यों लगेंगे बेटा, बैंक में तो थोड़ी देर में हो जाता है, और ऑनलाइन तो तुरंत हो जाना चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में क्या लगता है बेटा? ऐसा नहीं होता है पापा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है और उतना टाइम लगता ही है, इसलिए पहले मेरे को बेनिफिशियरी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद में वो 4 घंटे बाद में ही मेरे को ट्रांसफर करने के लिए अलाउ करेगा, तो उतना टाइम लगेगा ही। 4 घंटे क्यों बेटा, कोई ऐसा तो नहीं। ठीक है तू कर लेना बस। मैं कर दूंगा आपके 4 घंटे बाद में कर दूंगा मैं। कर लेना जैसा वैसा कर लेना बस। ठीक है आप लोग चाय पी लो, मम्मी फिर मेरे ओट्स बना देना। ओके सर, ठीक है हो जाएगा। बोलो बेटा वो मेरा ट्रांजेक्शन हो गया। अरे पापा अभी तो 1 घंटा ही हुआ है, आपको बोला था ना 4 घंटे लगेंगे। तो बेटा कब होगा, मेरे को करना था ट्रांजेक्शन, मैं सोचा कि इतने देर में हो गया होगा। नहीं हुआ है पापा, ये देखो आपको नहीं हो रहा है तो ये देखो साइड देखो, यहाँ पे लिखा है अभी 3 घंटे पे लगेंगे। अरे यार कैसे भी मैं तो ऑनलाइन में तो हर समय हो जाता है, वहाँ पे बैंकों में तो फटाफट हो जाता है, और तेरा इतनी देर में होता नहीं है, पर ये क्या सिस्टम है? अरे पापा ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है, नेट बैंकिंग के अंदर फर्स्ट ट्रांजेक्शन जब करते हैं तो बेनिफिशियरी क्रिएट करनी पड़ती है और उसको कूल डाउन होने में टाइम लगता है, सिर्फ ये पहले ट्रांजेक्शन में टाइम लगेगा। तो बैंक में तो जल्दी हो जाता है, तुरंत गया वहाँ पे तुरंत काम हो जाता है, तो जब से मैंने तेरे साथ में काम किया जब तो ये प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है। पापा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में ये दिक्कत होती है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में टाइम लगता है, आगे से ट्रांजेक्शन में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है अभी मेरे जो भी है ये फट से कर ले और मेरे को समय चाहते थे, जो भी करना जल्दी करके 3 घंटे बाद में ये होगा, जो भी कर ले, कोई बात है क्या? गौरव चाय बन गई। पापा सुबह के लिए सॉरी, मेरी रफ टोन की वजह के लिए। सुबह वो मेरी ऑनलाइन क्लास चालू थी और उस टाइम पे आप वो ऑनलाइन प्रोसेस भी नहीं समझ रहे थे और बार बार मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही थी, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, ये तो चलता है, ऐसा कोई खास बात नहीं, ये तो हमारी पीढ़ी का जनरेशन का समझ में है, तो इसके लिए कोई टेंशन नहीं होता है, कोई बात नहीं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और तो अभी कब कॉलेज से फ्री हो रहा है? बस पापा अभी थोड़े बहुत सबमिशंस बाकी है, वो सबमिशंस 1-2 दिन में हो जाएंगे, उसके बाद में मेरा वेकेशन चालू हो जाएगा, फिर मैं फ्री हूँ। और उसके बाद में पापा मेरे को फाइनेंस वगैरह सीखना था, तो आप मेरे को फाइनेंस सिखा दोगे? सिखा दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है पापा, तो फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा, तो आप मेरे को फाइनेंस सिखा देना ना। ठीक है बेटा सर, सिखा देंगे। ठीक है पापा। बेटा तुम फ्री हो गए क्या? हाँ पापा फ्री हो गया कॉलेज से, आज से ही बस फ्री हुआ हूँ। बोलो आप कब से बैठना है अपने को वो फाइनेंस का, अगर आप कब से सिखाओगे मेरे को? बैठता तो नहीं बेटा, मेरा कुछ काम है। बोलो पापा। मेरे को चेक देना है, ये
ये तीन चेक है और ये तीन चेक मुकेश जी आरकेटी में 24 नंबर है, उन लोगों को ये तीन चेक दे देना, वहाँ जाके दे देना और वहाँ जाके बोल देना कि ये 5 दिन बाद में चेक भर दे बैंक में। ठीक है पापा, मैं बोल दूँगा। ठीक है, ठीक है पापा। कहाँ जा रहा है बेटा अभी? कहीं नहीं दादी, बोलो, कुछ काम था? थोड़ा काम था बेटा, मेरे छाती में थोड़ा दर्द है तो मेरे को, मैं तो चल तू दिखा के आ तो ठीक रहता। कहाँ पे दर्द है दादी? छाती में। कितने दिन हुए? 2-3 दिन हो गए। ज्यादा दर्द हो रहा है? दर्द रात को सोती हूँ तो होता है बेटा। रुको मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। हेलो डॉक्टर गिरीश पोकनास क्लिनिक? यस सर। हाँ सर, का अपॉइंटमेंट मिलेगा? सर पेशेंट का नाम? नारायणी देवी गोयल। सर आज का अपॉइंटमेंट है या फिर सर 4 दिन बाद में ही मिलेंगे? क्या करूँ, दादी की छाती का दर्द नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, और वैसे भी चेक की डेट तो 5 दिन बाद की है। एक काम करता हूँ, आज का ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। क्या करूँ सर, आज का अपॉइंटमेंट दे दूँ? यस दे दीजिए। अभी का अपॉइंटमेंट है ना? हाँ सर, अभी 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। ओके तो मैं अभी लेके आता हूँ मेरी दादी को। ओके सर। ओके थैंक यू दादी। अभी का अपॉइंटमेंट मिला है तो चलें अभी? हाँ चलो। चलो गौरव, वो मुकेश जी वाला चेक दिया क्या? अरे हाँ पापा, वो रह गया, कल पक्का जाके दे दूंगा। सॉरी। अरे क्या सॉरी सॉरी, हर बार सॉरी। मैंने जब भी तेरे को कोई काम देता हूँ तो सॉरी बोल देता, तुमने बोला पापा काम दो काम दो काम दो, जब काम देता हूँ तो सॉरी। मैं तो मेरे व्यापारी के सामने फीका पड़ गया, मैं व्यापारी को कैसे बांध दूँ, मेरी तरफ बांध दो, हमारे से फीके पड़ गई है। तुम बोलो काम काम दो काम दो, मेरा कोई भी काम होता तो हर काम को 5 मिनट में करता हूँ पापा, 10 मिनट में करता हूँ, अभी करता हूँ, बाद में करता हूँ। मेरी बात को, मेरी तो हर बात को तू हर बात को काट देता है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। पापा मैंने वो मुकेश जी के वहाँ पे वो चेक दे दिया है। ठीक है बेटा। और मुझे आपसे एक बात भी करनी थी पापा। क्या बात करनी थी बेटा? कल जो आपने बात कही, मुझे उससे कहीं लगा कि आपके मन में मेरे लिए काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, काफ़ी गलत फहमियाँ हैं। हाँ बेटा बोल, क्या गलत बता। अब मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो बहुत सारी है, और ऐसा कल मेरी गलती थी इसलिए मैंने आपको कुछ बोला नहीं, मैं चुप रहा, मैंने जवाब नहीं दिया। पर आज भी मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करना चाहता हूँ ताकि अपन दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड बने। मैं ये जनरेशन गैप को और मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाना चाहता हूँ। कोई गलत नहीं है, बोल बेटा क्या बात है, बोल तेरे मन में क्या बात है, कुछ बात है? दरअसल पापा कल आप जब निकले घर से, उसके बाद में मैं मुकेश जी के वहाँ चेक देने जाने के लिए बस निकल ही रहा था कि उतनी देर में दादी ने मुझे बोला कि उनकी छाती में काफ़ी दिन से दर्द हो रहा है। तो मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और मैंने सोचा कि पहले उनको दिखा दूं मैं, और वैसे भी आपने मुझे बोला था कि चेक तो 5 दिन बाद की डेट का है, तो मुझे लगा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं 1 दिन बाद चेक दूंगा। ओ क्या हुआ दादी को, क्या बात है, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ऐसे कुछ नहीं बोला, डॉक्टर बोला कि टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा। सिर्फ वो तो एसिडिटी की वजह से उनकी छाती में काफ़ी दिन से दर्द था, वो तो ठीक हो जाएगा। पर सिर्फ यही बात नहीं थी पापा, बाकी भी काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे बैंक के आर्ग्यूमेंट को लेके हुई थी, बैंक के ट्रांजैक्शन के लेके अपने बीच में आर्ग्यूमेंट हुई थी, बाइक वाले सिलसिले को लेके अपने बीच में आर्ग्यूमेंट हुई, और डेली अपने बीच में छोटी मोटी बातों को लेके नोकझोंक होती रहती है पापा। ये तो जनरेशन गैप है पापा, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसे अगर अपने बीच में चलते रहेंगे। आज मुझे मेरा करियर बनाना है, मुझे आपसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है, तो मुझे अफसोस होता है कि अगर
ये गलत फहमी अपन बनाते रहेंगे तो मैं कैसे सीखूंगा पापा आपसे? कोई टेंशन नहीं, कोई गलत फहमी नहीं बेटा, एकदम बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बरसते रहते ही होता रहता है, इसके लिए कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तू बेझिझक रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तेरे अंदर में कोई टेंशन नहीं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई पापा उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, आगे से मैं आपकी सारी बात को पहले करूँगा, आपके सभी काम को पहले करूँगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, और तेरे साथ हूँ, खूब प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, और एक पापा नहीं हूँ, दोस्त हूँ तेरे बरोबर का, एकदम मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, ओके, मस्त रहो, रिलैक्स रहो, मन की बात बताओ।